हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास सिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्रैक्शन चैप्टर 7.1 पेज नंबर 136। सो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 7.1 चैप्टर का। आई होप सो वहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देना, मैं आपको उसके लिंक दे दूंगी। और रहा बात क्वेश्चन का, तो आप जब क्वेश्चन देख रहे होंगे तो वहां पे आई बटन होता है, उसे दबाकर भी आप पिछले वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है। क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। सीडी प्लेयर हर बर्थडे, सी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 other एज अ गिफ्ट। यानी कि क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर हर बर्थडे, यानी कि क्रिस्टीन नाम की एक लड़की है जिसे उसके बर्थडे में सीडी मिला है। ठीक है, सीडी क्या होता है? सीडी पहले के लोग यूज करते थे, अब तो हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। हम जो भी चीज करते हैं, फोन में देखना, पेन ड्राइव में देख लेना, पेन ड्राइव में ले लेना, ये सब करते हैं। सीडी वो होता था, एक गोल सा होता था, इस टाइप का होता था विजुअल, और उसे एक हम उसके अंदर डालते थे, हमारा कंप्यूटर में डालो या फिर उसके लिए अलग सा सीडी आता था, उसके अंदर हम ये कैसेट डालते थे तो हम प्लेयर इसको प्ले करके देख सकते थे। तो सीडी इस टाइप का होता था। सो आज के बच्चे थोड़ा ना जाने, या फिर हो सकता उन्हें पता हो, उनके घर पे हो पहले, तो सीडी हो। तो क्रिस्टीन को बर्थडे में सीडी मिला। सी बॉट 3 CDs एंड रिसीव 5 other एज अ गिफ्ट। तो उसे कितना, सी बॉट अ 3, यानी कि उसने 3 खरीद के लाए और उसे गिफ्ट में कितने मिले, 5 मिले। व्हाट फ्रैक्शन फॉर हर टोटल, यानी कि हमारा टोटल का फ्रैक्शन, टोटल व्हाट फ्रैक्शन टोटल सीडीज डिड सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव। यानी कि टोटल के टोटल को लेकर हमें कितना उसने खरीदा और उसे कितना गिफ्ट मिला, उसका फ्रैक्शन निकाल के दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा मतलब कि लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए क्वेश्चन को, लेकिन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कितने सीडीज उसे खरीदे। तो चलिए लिखते हैं, नंबर ऑफ सीडीज बॉट, यानी उसने खरीदे कितने, 3। और फिर है नंबर ऑफ सीडी गिफ्टेड, उसे कितने गिफ्ट मिले, सीडीज गिफ्टेड 5, यानी 5 गिफ्ट मिला, 3 उसने खरीदा, क्रिस्टीन ने खरीदा। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कर देना इसी को, क्योंकि उसने टोटल बोला है। तो टोटल सीडीज इक्वल टू 3 + 5 8, यानी 8 टोटल सीडीज हो गए, 5 3 खरीदे हुए, 3 और 5 गिफ्ट वाले। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, खरीदने का और गिफ्ट का, दोनों का फ्रैक्शन निकालना। तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सीडीज सी बॉट कितना था, खरीदा था 3 उसने, यानी 3, टोटल कितना है 8, तो हमेशा डेनोमिनेटर में 8 टोटल जाता है और जो पूछ रहा होता है हम नोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा कितना था, उसने खरीदा था 3, तो 3 ऊपर गया और टोटल 8 नीचे, एक हमारा आंसर मिल गया 3/8। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने कितने गिफ्ट पाए, तो लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सीडीज, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज गिफ्टेड, तो कितने मिले थे 5/8, डिनोमिनेटर में टोटल आ जाएगा और जितना पूछा 5, तो ये हमारा सेकेंड आंसर। तो दो हमें आंसर मिल गया, 3/8 और 5/8। इस तरह से हमने 11th नंबर भी सम कर लिया। सो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया, और कोई भी ऐसी गलती ना करना कि 3/5 कर दो आप लोग, नो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल सीडी तो 3 भी और 5 भी है, क्योंकि उसने 3 खरीदे हैं सीडी और 5 उसे गिफ्ट मिले, तो पूरा टोटल तो सीडी ही है, तो फिर कैसे हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 8 आ रहा है, तो हमारा डिनोमिनेटर में टोटल चला जाएगा और एक एक करके हम उसका गिफ्ट वाला और खरीदा वाला दोनों को अलग करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले वही किया, हमने जितना खरीदी थी उसको हमने 3/8 कर दिया, जितना उसे गिफ्ट मिला था 5/8, इस तरह से इसके दो आंसर हो गए।
आई होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओके मैम जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।